जय हिंद। हम लोग इससे पहले के वीडियो में कक्षा 10 के भौतिकी की क्लास में उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाविधि के बारे में बात कर रहे थे और हमने उसमें पहली स्थिति के बारे में बात किया कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, उसकी स्थिति कैसी होती है और वस्तु के सापेक्ष उसका आकार कैसा होता है। अब हम लोग क्या उत्तल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति को बदलते हैं, दूसरी स्थिति में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे, कहां और उसकी प्रकृति कैसी होगी, वस्तु के सापेक्ष उसका आकार कैसा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के कहां स्थित हो, ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो, अर्थात वस्तु उत्तल दर्पण के क्या ध्रुव और अनंत इन दोनों इस दूरी के बीच में कहीं पर भी स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी और उसका आकार कैसा होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण के ध्रुव दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। तो हमने उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति, कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो, कि ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी अवस्थित होने पर वस्तु के उसका प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा कहां बनेगा, तो दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि उसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब काल्पनिक काल्पनिक सीधा तथा वस्तु के सापेक्ष
शाखा में छोटा होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु के सापेक्ष यानी वस्तु के आकार से क्या होगा, छोटा होगा। अब हम लोग इस स्थिति को ग्राफिक रूप में यानी किरण आरेख के रूप में व्यक्त करके भी दिखा सकते हैं। हम लोग एक उत्तल दर्पण बना लेंगे, के धसे हुए सतह को उसका खोखला लेंगे, उसके धसे हुए सतह को रजतित कर देंगे और उभरे हुए सतह को परावर्तक सतह के रूप में रखेंगे। उसके बाद हम लोग दर्पण के उत्तल दर्पण के ध्रुव को सूचित कर लिए और यदि इसका हालांकि उत्तल दर्पण का फोकस जिस तरफ मुराव रहता है उस तरफ रहेगा फोकस और वक्रता के अंदर, तो इधर वक्रता केंद्र के बाद जितनी दूरी होगी वो इंफिनिटी अनंत को सूचित करेगी। अब हमें स्थिति दी हुई थी कि आप वस्तु को यदि दर्पण और अनंत के बीच कहीं पर रखते हो तो प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। तो हम लोग वस्तु को रख देते हैं, एक वस्तु ले लिए, अब इस वस्तु से दर्पण पर एक समांतर प्रकाश की किरण को आपतित कराएं, तो ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर इस दिशा में लौट जाएगी। जब इसे हम काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये किरण परावर्तित किरण फोकस से होकर गुजरते हुए प्रतीत होगी। तो इस तरीके से हमने एक किरण ले लिया, अब दूसरी किरण दर्पण से इस प्रकार आपतित होती है जो परावर्तन के बाद जिस दिशा से आई हुई है उसी दिशा में लौट जाती है। जब इस किरण को भी हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इस परावर्तित किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाएं और इस परावर्तित किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाएं, तो हमने देखा कि ये किरणें एक दूसरे को फोकस और ध्रुव के बीच प्रतिच्छेद कर दी। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु, यह हमारा वस्तु, यह हमारा प्रतिबिंब, तो वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए एक हमने समांतर किरण लिया वस्तु से दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर में दर्पण पर एक प्रकाश की किरण को आपतित कराया जो परावर्तित होकर जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौटी। तो और जब उस किरण को परावर्तित किरण को हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो वह फोकस से होकर गुजरी गुजरती हुई प्रतीत हुई, और दूसरी किरण जो हमने वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण ली जो परावर्तित होकर वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद लंबवत पड़ती है, दर्पण के परावर्तक सतह पर लंबवत होती है और वह जिस दिशा से आई हुई रहती है उसी दिशा में लौट गई रहती है। अब जब हम
इस दूसरे परावर्तित किरण को फिर पीछे की ओर बढ़ाएं तो वो हमें वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत हुई। अब ये दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिच्छेद कर दी, जिसके कारण हमें इस बड़े आकार के वस्तु का छोटे आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो आप देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे एक स्थिति, इसकी स्थिति यानी प्रतिबिंब की स्थिति को हमने देख लिया। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो काल्पनिक, जैसे ही परावर्तक सतह के पीछे की ओर प्रतिबिंब निर्मित होता है तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब के रूप में सूचित कर देते हैं। अब क्या है, वस्तु के सापेक्ष जिस स्थिति में वस्तु थी उसी स्थिति में प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है, तो सीधा प्रतिबिंब कैसा है, तो वस्तु के सापेक्ष सीधा। और आकार यदि देखा जाए, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब के आकार को हम देखें तो वस्तु के साथ वस्तु के आकार से छोटा। तो इस तरीके से हमने दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब के निर्माण की प्रक्रिया को देख लिया कि जब वस्तु को हम उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित करते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कैसा रहता है, तो काल्पनिक, वस्तु के सापेक्ष सीधा और वस्तु के आकार से छोटे आकार में प्राप्त होता है। अब हम लोग तीसरी स्थिति के बारे में बात करेंगे कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के कहां अनंत पर, उत्तल दर्पण के लिए अनंत पर अवस्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। जब वस्तु उत्तल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। हम स्थिति को देखिए कि या पहले वस्तु की स्थिति कहां है, जब वस्तु उत्तल दर्पण के लिए कहां पर स्थित हो तो अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के लिए अनंत पर अवस्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां, दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। तो ये तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब हम लोग उसकी प्रकृति और आकार के बारे में बात कर लेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की प्रकृति
प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा बनेगा। तो हमने प्रतिबिंब की प्रकृति और उसके आकार के बारे में लिख लिया कि प्रतिबिंब कैसा काल्पनिक सीधा, क्योंकि दर्पण के यदि पीछे बन रहा है तो दर्पण के पीछे बनने का मतलब है कि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु के आकार से कैसा हमें दिखेगा, बहुत ही छोटा दिखेगा। तो हमने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति दोनों के बारे में विवरण देख लिया कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के लिए कहां पर अनंत पर अवस्थित है। अब हम इस स्थिति के लिए किरण आरेख का निर्माण करेंगे। हम लोगों ने कि जब वस्तु कहां तो अनंत पर स्थित हो, तो उत्तल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित वस्तु है, या तो अनंत पर स्थित वस्तुएं कहां होगी, खगोलीय पिंड। और जब हम किसी खगोलीय पिंड के सापेक्ष अपने दर्पण को रखेंगे तो वहां से आने वाली किरणें लगभग लगभग उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएंगे, और या ध्रुव यानी उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के उपाक्षीय किरण के रूप में होंगी। तो हम यहां क्या किए कि दो किरण, हम कितनी भी कोशिश करें कि वो किरणें अलग हों, लेकिन उन वो अनंत से आने वाली जो किरणें होंगी वो किरणें लगभग लगभग हमारे हमारा ध्रुव सॉरी हमारे दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, और वस्तु अनंत पर अवस्थित है और वहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही होती हैं, हम उन किरणों का यदि वास्तविक रूप में अवलोकन करें तो वो लगभग लगभग समांतर किरणें आती हुई प्रतीत होंगी दर्पण के द्वार छोटे द्वारक होने के कारण। इसलिए हमने एक किरण प्रधान अक्ष से होते हुए आते दिखाया है और दूसरी किरण को प्रधान अक्ष के लगभग समांतर में लिया। अब ये किरण परावर्तन के बाद इस दिशा में लौट गई, और जब हम उसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वो फोकस पर आकर प्रतिच्छेद करती है, और दूसरी किरण जो लगभग उपाक्षीय किरण के रूप में दर्पण के प्रधान अक्ष के साथ गतिशील होकर के दर्पण पर आपतित हुई तो वो लौट करके पुनः उसी दिशा में चली गई। अब इस किरण को भी जब हम लोग परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो दोनों किरणें परावर्तित किरणें एक दूसरे को दर्पण के पीछे फोकस पर प्रतिच्छेद कर देती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के लिए अनंत पर अवस्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां दर्पण के पीछे फोकस पर बन जाता है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। इस तरीके से हमने उत्तल दर्पण में लगभग तीन स्थिति में वस्तु को रखा, वस्तु को रखने के बाद उसके प्रतिबिंब किन स्थितियों में निर्मित हुए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी उनके बारे में सैद्धांतिक रूप से लिखा, उसके किरण आरेख की बनावट भी हमने प्रस्तुत की। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाविधि और प्रतिबिंब की प्रकृति इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अगले क्लास में हम लोग अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।